तो कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज महाराष्ट्र में तो आज ही मन रही है। जब सब जगह पे दही हांडी का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर, और हमारे घर में भी हम लोग आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबको जो है कृष्ण जन्माष्टमी की जो है वो हार्दिक शुभकामनाएं। एक एडवाइजरी आई हुई है जिसके लिए मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो मिस नहीं करते, आपको बता देते हैं। वो ये है कि डाइजीन जो जेल है, जो आपने देखा होगा जब कभी भी एसिडिटी होती है तो सबसे कॉमन जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं वो है डाइजीन। हर मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल है, गली मोहल्ले में सब जगह पर डाइजीन की टैबलेट और डाइजीन का जेल वो अवेलेबल है। और ये और बड़ी रेपुटेड कंपनी की मेडिसिन है, एबॉट कंपनी का मेडिसिन है वो, जिसके ऊपर एक एडवाइजरी आया है कि उससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। शायद से कुछ कंपोजिशन में चेंज हुआ है, कोई फॉर्मुलेशन में बदलाव हुआ है जो जो लोगों को सूट नहीं कर रहा है, इसलिए एक अलर्ट जारी किया गया है कि भाई डाइजीन दवा का इस्तेमाल ना करें। तो DIGENE डाइजीन जेल, स्पेशली जेल का इस्तेमाल ना करें। अब जेल की बात है तो सेम कंपोजिशन टैबलेट के अंदर भी होता है, तो मेरा मानना यह है कि कुछ समय के लिए डाइजीन नाम का मेडिसिन जो है बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि वो सेफ नहीं है। और उसकी जगह पर मान लीजिए आप में से कई कुछ कुछ लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, परिवार में किसी को डाइजीन जेल लगभग अक्सर लेना पड़ता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जेलुसिल MPS करके आता है, जेलुसिल GELUSIL जेलुसिल नाम का जो है वो सिरप आता है, जेल आता है, वो यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी डाइजीन का इस्तेमाल करने से बचना है। तो कई बार क्वेश्चन करते हैं लोग बाकी, सर हमको जैसे कफ सिरप हुआ, हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और मेडिकल स्टोर पर जाकर उससे बोलते हैं कि भैया हमें खांसी है, खांसी की दवा दे दो, ठीक है। या हम बुखार आया तो हम मेडिकल स्टोर पर जाके बोलते हैं बुखार की दवा दे दो, है ना। जनरली ऐसे ही होता है कि मेडिकल स्टोर वाले से ही डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास जाएंगे, वेट करना पड़ेगा, फिर वो देखेगा, दो जांचें भी लिखेगा, उसके बाद दवा लिखेगा, तो फीस देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो लोग जो है अवॉइड करते हैं, सीधा मेडिकल स्टोर पर जाके दवा लेते हैं। जबकि मेडिकल स्टोर पर कायदे में नियम कानून ये कहते हैं कि मेडिकल स्टोर में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, पर हमारे यहाँ पे आप जानते हो मेडिकल स्टोर जो है पर फार्मासिस्ट का लाइसेंस होता है, पर मोस्ट ऑफ दी मेडिकल स्टोर में जो है वो एक्सपर्ट स्टाफ नहीं होता है, वो अपने अंदाज मार जो दवा उन्हें मालूम होती है वो देते चले जाते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर की गंदी हैंडराइटिंग को पढ़ना उनको आता होता है, ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। खैर, महाराष्ट्र में ऐसे है कि डॉक्टर आजकल प्रिंटेड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं या हैंडराइटिंग हाथ से भी लिखेंगे तो क्लियर लिखना कंपलसरी हो चुका है। तो मैं आपसे ये जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि कभी खांसी है, बुखार है, तो आप डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवा लेने से बचें, आप कम से कम दवा ले वहां से दवा, और आप जब भी कभी मेडिसिन लें तो अपने नजदीकी डॉक्टर या एक फैमिली डॉक्टर जो भी आपके आसपास में हो, जिसको आप बार बार दिखाते हो, उनके संपर्क में रहें आप। और हर छोटी समस्या के लिए एकदम से मेडिसिन की तरफ दौड़ जाना वो भी ठीक नहीं है। हल्की खांसी है यदि तो कुछ समय जो है वो आप देखिए कि भाई खांसी का इंटेंसिटी क्या है, कुछ घरेलू नुस्खे जो होते हैं कि अदरक वाली चाय ले ली, शहद ले लिया, है ना, और अदरक का जो गुड़ और अदरक का जो काढ़ा होता है वो ले लिया, जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो अपनाना चाहिए शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है नहीं भाई इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, 48 आवर वगैरह रिलीफ नहीं मिल रहा है, देन उसके बाद हमको मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एवरी मेडिसिन इज ए पोटेंशियल पॉइजन, हर दवा जो है वो एक जहर के समान है, इसलिए उसको देने के लिए रिकमेंड करने के लिए डॉक्टर को एक बकायदा डिग्री लेनी होती है। और इसलिए आप देखना हर दवा लगभग मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में लिखा होता है कि ये केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन में दवा दी जाएगी, शेड्यूल एच ड्रग लिखा होता है बहुत जगह पे, ये दवाएं बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं बेच सकते। हालांकि हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन जितने भी एंटीबायोटिक है कई सारे मेडिसिन ऐसे जो बगैर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है जिनको मार्केट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एडवर्स रिएक्शन दे सकते हैं। डाइजीन हालांकि ओवर द काउंटर मेडिसिन है कि कोई भी आदमी जाके डाइजीन जेल लेगा तो उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के एडवर्स। अब ये अभी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, इसको दवा को उन्होंने होल्ड किया है, अदरवाइज ये तो बहुत दिन से चल रहे होंगे एक्शन, लोगों को समझ में भी नहीं आया साइड इफेक्ट हुआ इसका। तो बहुत फ्रिक्वेंट मेडिकेशन बगैर डॉक्टरी सलाह के लेना ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह से भी यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो आप समय समय पर डॉक्टर से मेडिसिन को रिव्यू कराते रहे, वो जरूरी है।
मतलब आज मैं बिल्कुल आपसे पते की मेडिकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत हम लोग अक्सर कम बात करते हैं, मोटिवेशनल बात ज्यादा करते हैं। हमारा जो शरीर है ना, बेसिकली हीलिंग की प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर ही होती है। जो भी हीलिंग है वो हमारी बॉडी जो है वो हील खुद करती है। हम मेडिसिन देकर उसको सिर्फ सपोर्ट करते हैं कि व्हाट वी डू कि हम एक दवा देकर जो है वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। हम उसको वेपन से, मान लो कोई आदमी वीर योद्धा होता है तो उसको आप हथियार दोगे तो वो लड़ लेगा, आप उससे अलग अलग तरह के वेपन दोगे लड़ लेगा वो, लेकिन योद्धा तो वो व्यक्ति अंदर से होता है। केवल हथियार नहीं लड़ सकते हैं, हथियारों को चलाने के लिए आपको जो है वो एक योद्धा चाहिए। तो वो जो योद्धा है, वो वॉरियर है जो है वो आपका शरीर होता है, और मेडिसिन जो है वो उसके वेपन्स के समान होता है कि उन दवाओं का वो उन वेपन्स का वो यूज करता शरीर, ठीक है ना। तो चाहते हैं हम कि बेवजह जो है वो झगड़ा फसाद ना हो, तो बेवजह शरीर को वेपन देना भी बंद कीजिए, शरीर को बेवजह जो है वो मेडिसिन खिलाना भी बंद कीजिए उसको, ठीक है। जैसे हाल ही में एक रिसर्च आया कि बहुत सारे लोग जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे ही खा रहे हैं, वही खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, शाम भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, जब मन किया तब खाना शुरू करते हैं, और रीवाइटल के एड आते हैं, ऐसी कई दवाओं के एड आते हैं टीवी में कि मल्टी विटामिन खा लो वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा दिमाग बढ़ जाएगा। तो एक रिसर्च आया कि यदि आप बहुत लंबे समय तक मल्टी विटामिन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हायर डोज में लंबे समय तक लेते हैं तो उससे जो है कैंसर सेल्स में जो है वो आर्टरीज बनने लगती है, नियो आर्टेरियोजेनेसिस होने लगता है उसके अंदर के, एंजियोजेनेसिस उसके अंदर होने लगता है, और उसके चलते कैंसर जो है और तेजी से फैल सकता है। तो मतलब ये कि कुछ भी जो हमारे नेचर से नेचुरल चीजों से हटकर है ना, वो कभी ना कभी नुकसान जरूर करता है। वो सबसे बेस्ट है कि हमारे फूड जो है वो फंक्शनल फूड होते हैं जो हम खाते हैं, जैसे मेथी दाना हुआ आपका, काली मिर्च हुआ आपका, जो घर में मसाले इस्तेमाल करती हैं। मतलब सबसे एक्सपर्ट कोई डॉक्टर है ना तो वो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग है, दादी और मम्मी, उनको सब पता है आपको कि कौन से मसाले डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। और वो हम क्या है, हम अपनी रूट से जो है वो धीमे धीमे दूर होते चले जा रहे हैं। जड़ों तक लौटेंगे तो हमको जो है बहुत सारे पुराने उपाय मिलेंगे। मैं कई बच्चे सोचते हैं कि गीतेन सर जो है वो आयुर्वेद से जो है वो को शायद पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम बात करते हैं BAMS के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो ये आपकी गलत फहमी है कि आयुर्वेद एक बहुत ही पावरफुल साइंस है, लेकिन दुर्भाग्य से ये बहुत लंबे समय तक गलत लोगों के हाथ में रहा है। दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय तक इसके लिटरेचर, इसकी रिसर्च जो है वो गायब हो चुकी है। लंबे समय तक इसको केवल एक डिग्री देने का माध्यम बना दिया गया है, लेकिन जो लोग आयुर्वेद को सच में डीप में जाकर पढ़ेंगे तो वो पाएंगे कि इट इज नथिंग, इट इज जो है वो इसी का एक्सट्रैक्ट है एलोपैथी, और उसी का जो है वो हम बोले रॉ है, एलोपैथी का रॉ फॉर्म है आयुर्वेद, ठीक है। ये बात अलग है कि फाइन सर्जरी उन सब में जो है वो आपको एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन डिजीज में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, करते भी हैं लोग बाग, और अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसको कभी भी जो है ना आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी ये सब मत देखा करो, जो बेहतर है वो हमारे काम का है, ठीक है। जीवन में हमेशा जो सबसे अच्छी चीजें हैं उनको उनको उनसे कुछ ज्ञान लेना, उनको अवशोषित करना सीखो अच्छी चीजों को, तो आपको हमेशा मालूम चलेगा। मतलब क्या होता है, हम टाइप कास्ट कर लेते हैं कि हम इसको यदि साथ ए का साथ देंगे तो बी हमारा दुश्मन है, सी हमारा दुश्मन है। नहीं, ए में अच्छाई है ए को शामिल करेंगे, बी की अच्छाई है वो भी लेंगे, सी की अच्छाई है वो भी लेंगे, ठीक है। हमको मतलब है कि हमको एक चुंबक के समान बनना है कि हर अच्छी चीज हमारी तरफ आकर्षित होना चाहिए और हम जो है वो अच्छी चीजों को एब्जॉर्व करना चाहिए। मेरा मन किया कि आज चलो कल करूंगा रिकॉर्डिंग, पर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा कि चलो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज बच्चों को से दूर नहीं रहते हैं, मिस नहीं करते हैं, सेशन को मिस नहीं करते हैं। मैं आपको मिस कर रहा था पर सेशन को मिस करना नहीं चाहता था, मैं समझ गया, दोनों मिस का फर्क है दोनों का, ठीक है। और 8 लाख सब्सक्राइबर बायोमेंटर्स के मेन चैनल पर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही जो है वो सपोर्ट बना रहे, साथ बना रहे, बच्चों के लिए हम कुछ बेहतर कर पाए, बच्चे अच्छा कर पाए। बायोमेंटर्स का, आपके परिवार का, देश का, आपके जिले का, राज्य का, सबका नाम हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।